नमस्ते दोस्तों, दिल छू जाएगी ये कहानी, शॉर्ट हिंदी कहानी इमोशन। आज मैं वापस आपके लिए एक हॉट टचिंग स्टोरी लेकर आया हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिल को छू कर जरूर निकलेगी। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इस कहानी को शुरू करता हूँ। इसी विचार से प्रेरित अमित बचपन से ही पढ़ाई में और उन सभी चीज़ों में जी जान से मेहनत करता आया था जिनकी वजह से वो ज़्यादा पैसा कमा पाए। उसने अपना पूरा बचपन गरीबी और आवश्यक चीज़ों की कमी इसमें गुजारा था, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। अगर सही दिशा में मेहनत की जाए तो मेहनत रंग जरूर लाती है। अमित भी पढ़ लिख कर उस काबिल बन गया कि उसे किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल सके, और उसे एक अच्छी नौकरी मिल भी गई। अमित ने एक एक करके अपने सपने पूरे करने का सफर शुरू किया। पहले छोटे छोटे सपने पूरे किए, फिर सही उम्र होने की वजह से शादी कर ली, अगले ही साल एक सुंदर बच्चे का बाप भी बन गया। लेकिन इन सबों में उसके सपने पूरे करने का सफर रुक गया। उसे एक बात का कोई मलाल नहीं था कि लेकिन बचपन से लेकर जवानी तक उसका एक बहुत बड़ा सपना एक अच्छी बड़ी कार लेने की वजह वह हमेशा उसका दिमाग में चलता रहता था। बचपन से लेकर आज तक जब भी वो किसी अच्छे कार के रास्ते से गुजरते हुए देखता तो पल भर के लिए वहीं पर रुककर उसे ताकता रहता था। जैसे जैसे दिन बीते जा रहे थे, उसका ये सपना उसे सोने नहीं दे रहा था। उसने इस सपने को पूरा करने की ठानी और थोड़े थोड़े पैसा जमा करना शुरू किया। कुछ वर्षों में उसने इतने मेहनत पैसे जमा कर लिए कि वो अपने सपने का कार ले सके, और एक दिन वो सारे पैसा समेटकर उस कार को सपने पर ले आया, अपने घर पर ले आया। उस कार में बैठकर उसे लगता कि उसने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर लिया है। उसे जीत की संतुष्टि मिलती थी, कुछ हासिल करने पर मिलती है। वो जितना प्यार अपने 5 साल के बेटे के साथ करता है, उतना ही प्यार अपनी कार से भी करता था। हर दिन खुद को अपने हाथों से कार को धोता और उसके ही पार्ट अच्छे से चेक करता। एक दिन वो अपनी कार को धो रहा था, साथ में उसका 5 साल का बेटा भी कार के आगे पीछे खेल रहा था। अचानक उसे कोई आवाज़ सुनाई दी। उसने कार को उस तरफ जाकर देखा जहां उसका बेटा पर कार पर पत्थर को खरोच रहा था। अमित को लगा जैसे उसका सर गुस्से से फट जाएगा। उसने बेटे के हाथ को काफ़ी ज़ोर से पकड़ा और उसे बुरा भला कहना लगा। बच्चा दर्द के मारे रो जा रहा था, लेकिन अमित का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। 2-3 मिनट के बाद जब उसने बच्चे को हाथ छोड़ा तो उसने समझ में आया कि ज़्यादा जोर लगाने की वजह से बच्चे के हाथ में उंगली टूट गई। जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, वो अपने बच्चे को लेकर अस्पताल गया। बच्चे की उंगली टूट जाने की वजह से प्लास्टर बांधा दिया। और जब अमित अपने बच्चे को मिलने गया तो बच्चे ने पूछा कि पापा मेरा उंगली कब ठीक होगी। वो उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दे सका और बाहर आकर अपने किए पर पछताने लगा। उसे एक बार फिर से उतना ही गुस्सा आया जितना अपने बच्चे पर आया था, लेकिन इस बार गुस्सा अपने आप पर और उस कार पर जिसकी वजह से अपनी मासूम बच्चे को हानि पहुंचाई थी। वो गुस्सा को शांत करने के लिए पार्किंग में पहुंचा जहां पर अपनी कार लगाई थी। वहां जाकर कार पर लात गुस्से बरसाने लगा। उसी बीच उसकी नज़र गाड़ी के उस हिस्से पर पड़ी जहां उसके बच्चे ने पत्थर से कुरेद कर कुछ लिखा था। उसने जब ध्यान से पढ़ा, लिखा था आई लव यू पापा। उससे पढ़कर अमित की आरती के दिल दोनों रोने लगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये कहानी सिर्फ अमित की है? क्या आपको नहीं लगता है कि ये कहानी हमसे हर एक की है? हम भी तो जीवन भर यही करते आए हैं। हम जीवन भर उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जिनकी हमें चाहते, चाहे वो हमारे लिए उतने महत्वपूर्ण ना हो। इसी चीज़ के लिए हम अपने जीवन का उन महत्वपूर्ण चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, खो देते हैं। आशीर्वाद के रूप में मिली होती कितना भी पैसा खर्चे पर वापिस नहीं मिलते। उम्मीद करता हूँ इस कहानी को पढ़कर आप थोड़ी देर चक्कर सोचेंगे कि वस्तु के पाने के लिए दौड़ लगा रहे, क्या वो आपके जीवन में सर्वोपरि है, या आपके जीवन में उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ जिससे आप इग्नोर करते आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हार्ट टचिंग स्टोरी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।